हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा मन हुआ मिररिंग के बारे में बात करने का। इसलिए मन हुआ क्योंकि मिरर जो जितना ही शब्द ही आसान है समझने में, उतना ही लोगों को तकलीफ होती है मिररिंग को धारण करने में, उसको फॉलो करने में। मिरर क्या होता है? आईना। और आईना सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। आप खुद को आईने में देख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट आपका चेहरा दिख रहा है। बट जब ये मिररिंग ट्विन फ्लेम्स में होती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मिररिंग समझने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। अक्सर डिवाइन फेमिनाइन को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो जानती हैं मिररिंग क्या होती है। आई थिंक आप पहली बार मुझसे नहीं सुन रहे होंगे, कई आप लोगों चैनल्स में मिररिंग सुनी होगी। सुनने के बाद भी हम लोग मिररिंग्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मिररिंग क्या होती है ये मैं आप नहीं बताऊँगी, मिररिंग के रूल्स को आप ईजीली कैसे फॉलो कर लें ये मैं बताऊँगी। पहली चीज़ तो समझिए कि मिरर होता क्या है। मिरर, आप इस शीशे को, जिस आईने को आप देखते हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। अब आप जब मिरर को हंसते हुए देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो सामने जो छाया आती है वो भी मुस्कुराती है, राइट? जब आप खुद को गुस्से में देखते हैं तो जो छाया आपकी सामने दिख रही है शीशे पे वो भी गुस्से में दिखेगी। जैसा आपका रूप होगा वैसे ही सामने दिखेगा। यहाँ मिरर कौन करता है आपको? डिवाइन मैस्कुलिन। अगर डिवाइन फेमिनाइन गुस्से में है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको उसी रूप में दिखेगा, वो आपका एग्जैक्ट मिरर है। और मैं सच कहूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन ही नहीं, ये दुनिया में हर रिश्ता, हर रिलेशन आप ही का मिरर होता है। कोई आपको बुरा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको मिरर कर रहे हो अपनी नेगेटिविटी से। कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको मिरर कर रहे हो अपनी पॉजिटिविटी से। तो मोर ऑफ ये हमारे रियल लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं। बट हाँ, ट्विन फ्लेम्स में आपका मैस्कुलिन फेमिनिन का एग्जैक्ट मिरर होता है। एग्जैक्ट मतलब हूबहू, वैसा का वैसे ही, 10% भी चेंज नहीं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर उसको नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, आप उसको गालियाँ दे रहे हो, आप उस पर गुस्सा हो रहे हो, आप नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो, आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो वो ये जितनी नेगेटिविटी आप थ्रो कर रहे हैं वो नेगेटिविटी उनके अंदर भी आएगी। बट इट डज नॉट मीन कि आपको वो आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि आप तो गुस्से में हो ना, आप मिस कर रहे हो, आपकी लो फ्रिक्वेंसी है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी आपके लिए हाई कैसे हो सकती है? हाउ कुड ही मिस यू, हाउ कुड यू फील द सेम एज यू आर थ्रोइंग। आप चाहे आप उनको मिस कर रहे हो, चाहे आप उनके लिए रो रहे हो, चाहे आप उनको गालियाँ दे रहे हो, चाहे आप उनको बुरा भरा बोल रहे हो मन ही मन में, यू आर थ्रोइंग नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, नेगेटिव एनर्जी, तो वहाँ भी वो उनके मन में आपके लिए नेगेटिविटी ही आएगी और वो आपसे भागेंगे। आप अगर पॉजिटिव सोचते हो कि यार ओके आई एम फीलिंग गुड, पहले तो सोचना ही नहीं चाहिए, लेट गो को फॉलो करना चाहिए, डिटैचमेंट के रूल को फॉलो करना चाहिए, बट समटाइम्स याद आती भी है तो आप फील न्यूट्रल, मैं तो कहती हूँ न्यूट्रल फील करिए आप, अच्छा भी नहीं, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि समटाइम्स अच्छा फील करते करते फिर से हम लोग वो हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। आइदर यू फील गुड, प्रे फॉर हिम कि वो जो भी काम कर रहा है अच्छे से करे, वो जैसा भी हो वो अच्छा रहे, जहाँ भी हो वो ठीक ठाक रहे, या तो ऐसा प्रे करिए अपने मैस्कुलिन के लिए, या आप न्यूट्रल रहिए कि ओके आई एम ऑल राइट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो जहाँ भी है जैसा भी है वो अच्छा रहे, दैट्स इट। तो आपको, आप अगर न्यूट्रल रहेंगे तो क्या कहते हैं, बहुत जल्दी मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर करके उनकी अवेकनिंग को डिले करते हैं। मैं एक और एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ मिररिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को बड़ी मुश्किल से मिररिंग समझ में आती है।
क्योंकि हम जानते हैं कि हम मेरे डीएम मेरा मिरर है, डीएम मेरा मिरर है, लेकिन फिर भी हम लोग मिस करना बंद नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग रोना बंद नहीं करते हैं, फिर भी हम इंतज़ार करना बंद नहीं करते हैं, फिर भी हम अपना एग्रेशन शो करना बंद नहीं करते हैं, ठीक है, जानते हुए भी। इसीलिए मैंने कहा मिररिंग को समझना इतना आसान नहीं है, मतलब लोगों को जल्दी समझ में आती नहीं है, हालांकि मिररिंग इतना टफ भी नहीं है। देखिए इसको ऐसे लीजिए कि एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, अपने बच्चे को बहुत डांट रहे हैं, बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, हाइपर डांट रहे हैं, कुछ बच्चे ने गलती कर दी और उस गलती के लिए उसको डांट पड़ रही है। बच्चा ये जानता है कि मेरे माँ बाप जो भी बोल रहे हैं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, पर एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट बिकॉज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो भी गुस्सा करेगा ना, वो भी बहस करेगा, वो थोड़ा आपके पैरों पे गिर जाएगा। आप ही सोच लीजिए, आप खुद को लीजिएगी, आप कोई इंसान आपको आप ही के पेरेंट्स हैं, वो आपको डांट रहे हैं, आप पे गुस्सा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार कर रहे हैं, वो गुस्से में डांट रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं तो आपको उस वक्त तो गुस्सा आएगी ना कि भाई क्या बात है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आप उनसे बहस करोगे, आप लड़ोगे, ये जानते हुए भी कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं, आप उससे लड़ोगे क्योंकि आप उनको मिरर दिखा रहे हो जो वो आपको दे रहे हैं। फिर बाद में आपको रियलाइज़ होएगा कि नहीं यार ठीक है, पेरेंट्स हैं, प्यार करते हैं, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। यही होता है ट्विन फ्लेम्स में, जब आप ज़बरदस्ती का एग्रेशन करेंगे, मिस करेंगे, रोएंगे, उनको गालियाँ देंगे, अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करेंगे, तो वो भी आपको उस वक्त वैसा ही रिएक्ट करेंगे जैसा कि आप अपने पेरेंट्स से कर रहे थे। बाद में वो रियलाइज़ करता है, करेगा कि हाँ यार या शी इज़ माई डिवाइन फेमिनाइन, शी लव्स मी, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे प्यार कोई दे नहीं सकता, शी डज़ अनकंडीशनल लव, एवरीथिंग ओके, बट उस वक्त वो आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं देगा। तो एटलीस्ट जैसे फुल मून के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पर, जैसे अक्सर डिवाइन फेमिनाइंस थोड़ा सा परेशान हो जाती है या कभी भी आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, उस टाइम पे डोंट कॉल, डोंट मेक कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन मैस्कुलिन प्लीज़। कम से कम उस टाइम पे तो कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत मन करता है कि कॉल करें, बात कर लें, शायद दिल हल्का हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी, कोई दिल हल्का नहीं होगा, वो चार बातें और बोल देगा आपको। तो जब आप उनको मिस करते हैं उस टाइम पर ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, 10 बार डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करिए, शांति से बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए, ओम चांटिंग करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, ठीक है, अपने आप को फील, अपने आप को सेल्फ लव करिए, यूनिवर्स को से को फील करिए, अपने इनर वर्क के बारे में सोचिए, रिकॉल करिए मुझे क्या क्या इनर वर्क करना है, मुझे अनकंडीशनल लव सबको करना है, मुझे कोड डिपेंडेंसी से ऑपरेट नहीं करना है, मुझे नीडीनेस से ऑपरेट नहीं करना है, मुझे एंगर से ऑपरेट नहीं करना है, सारे अपने जो इनर वर्क के रूल्स हैं उनको रिकॉल करिए, मेडिटेशन करिए, हेल्दी फूड खाइए, थोड़ा सा बाहर टहलने चले जाइए, सात्विक भोजन खाइए, जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं ना, तो जैसे नॉनवेज उस टाइम पर बिल्कुल नहीं खाइए अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं, और जो लोग चक्रास मेडिटेशन करते हैं उन लोगों को आई प्रेफर कि नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, नॉनवेज खाना जो लोग मेडिटेशन में हैं ट्विन फ्लेम्स जो साधना कर रहे हैं उनको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। तो आप या कोई भी इस प्रकार से ड्रिंक्स, स्मोकिंग, नॉन वेज, इस तरीके का आहार प्लीज़ ना करें इस टाइम पे। बहुत सात्विक फूड लीजिए, फ्रूट्स खाइए, बाहर टहलिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ठंडी ठंडी हवा में खुद को रिजुविनेट करिए, डिटॉक्सिफाई करिए, ठीक है, मसाज लीजिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, और साथ में अच्छी अच्छी ऑरा क्लेंजिंग करिए, कपूर बर्न करके एक ऑरा क्लेंजिंग करिए,
अगरबत्ती जला के या अच्छी सी फ्रेग्रेंस डाल के, मतलब देर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डील. जैसे किसी ने हीलिंग के बारे में भी पूछा था मुझसे, तो हम लोग हीलिंग में ये सब भी कर सकते हैं. जब भी आप डिवाइन फेमिनाइंस को एंजाइटी होती है, उनका हार्ट में पेन होता है, उनको हेडेक्स होते हैं या प्रॉब्लम होती है, या वो लोग बहुत ही लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो आप लोग ये सब काम कर सकते हैं. ऑरा अपना क्लीन करिए, घर की घर को साफ सुथरा रखिए, सफाई रखिए, खुद को साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए. कपूर का आग जो धुआं होता है वो पूरे घर में घुमाइए, अगरबत्ती लगाइए, पूजा कर सकते हैं उस टाइम पे, पूजा करिए, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी पूजा करिए, बाहर घूमने चले जाइए, हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, अपने पसंद के म्यूज़िक सुन सकते हैं. आपके पसंद के जो म्यूज़िक से भी हीलिंग होती है, आपके पसंद की म्यूज़िक सुनिए. किसी से आप बात करना चाहते हैं, आप बात करिए, बट नॉट अबाउट द ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि उसमें इस टॉपिक पे बात करके आप और ज़्यादा आप नेगेटिव हो सकते हो. क्योंकि जो इंसान से आप बात कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ट्विन जर्नी समझे. वो आपको कहेगा, अरे यार तू कॉल कर लेना, बात कर लेना, क्या क्यों परेशान हो रही है, क्यों परेशान हो रहा है, लाइक दिस. ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से, फ्रेंड से मिलने जाइए, बट आपको इस जर्नी के बारे में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि कोई आपको सही सलाह नहीं देगा. करेक्ट. तो आई थिंक मिररिंग के बारे में आपको समझ में आ गया है कि मिरर क्या होता है, और इस टाइम को हमें कैसे डील करना चाहिए. हमें अपने DM को या अपने काउंटर पार्ट को बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उनको भी हर्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, प्रे फॉर योर काउंटर पार्ट, प्रे फॉर योर सेल्फ, प्रे फॉर योर यूनियन, बट एंड वर्क फॉर योर यूनियन. प्रे से पहले कहूँगी वर्क फॉर योर यूनियन. ठीक है, सरेंडर टू गॉड, लव योर सेल्फ. ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच.